आपको बताऊंगा हाउ टू सेलेक्ट फंडामेंटली गुड स्टॉक्स। यार ये पर्टिकुलर वीडियो शॉर्ट वीडियो होगी, इसमें मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यार फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है टॉप टू बॉटम, दूसरा होता है बॉटम टू टॉप, ठीक है। अभी अप्रोच चलते कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यार सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर होता है इकोनॉमी, क्योंकि आप किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे होंगे और उस पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर कंट्री की कंपनीज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखते हैं इकोनॉमी कैसी है, मतलब जीडीपी कैसी है, जीडीपी ग्रोइंग है कि नहीं उस पर्टिकुलर कंट्री की, ठीक है। सेकंड स्टेप ये होता है हम लोग एनालाइज करते हैं कि अगर ये इकोनॉमी ग्रोइंग है तो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो इसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंट्री की, ठीक है। तो पहले हम लोग इकोनॉमी निकाली, फिर जो सेक्टर्स इसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं वो सारे सेक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। और जो सेक्टर्स मेजरली हेल्प कर रहे हैं उनको निकाल लिया, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया में जिसका 38% हाथ है इंडिया की ग्रोथ में, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले इकोनॉमी हो गई, फिर सेक्टर्स निकाल लिए, और फिर सेक्टर्स के बाद हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये थर्ड फैक्टर हो गया इंडस्ट्रीज, और फिर इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग देखते हैं उसमें कौन सी कंपनीज हैं। तो इंडिया की ले लेते हैं, इंडिया की जीडीपी अगर आपको लगता है कि 10-20 साल में बढ़ेगी, ठीक है, तो फिर आप निकालेंगे उसमें कौन से सेक्टर्स हैं जो उसकी जीडीपी को बढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और फिर उन सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज है वो हम लोग निकालते हैं, और फिर उस इंडस्ट्रीज में जो कंपनी है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सेक्टर को पकड़ेंगे उसकी इंडस्ट्रीज में कंपनी अगर आप देखेंगे तो आपको 20 से 30 कंपनी तो मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन चार स्टेप्स को एनालाइज करने के बाद इकोनॉमी, सेक्टर, इंडस्ट्रीज, फिर आपको लास्ट में कंपनी मिल जाएंगी 20 से 30, ठीक है। बट आपको चाहिए 2 से 3 कंपनियां, ठीक है, एक एक सेक्टर की। आपको डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आप एक ही सेक्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक सेक्टर ही हेल्प नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, तो आपकी जो कंपनीज होनी चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको किसी सेक्टर की 20-30 कंपनियां मिल गई, तो अब इस 20-30 से 2-3 कैसे करते हैं, उनके लिए 3 स्टेप और है। आपको ये 20-30 कंपनियों में फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आपको हर एक कंपनी की वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी, और वैल्यूएशन देखने के बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात की ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो 20-30 कंपनियां बची हैं उनमें आपको ये 3 चीजें करनी पड़ेगी, और ये 3 चीजों को करने के बाद आपके पास फंडामेंटली गुड कंपनी आ जाएगी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी आ जाएगी, जो आपको अगले 10 से 15 साल में अच्छा खासा CAGR जनरेट करके देगी, ठीक है। और ऐसी सिर्फ 5 से 10 कंपनी चाहिए होती है आपको आपके पोर्टफोलियो में, जो आपको काफी अमीर बना सकती हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ऐसे हम लोग एनालाइज करते हैं, ऐसे हम लोग फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को पता करते हैं, ठीक है। माना थोड़ा लेंदी है, बट अगर एक बार आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के करना सीख गए तो आप अपने दम पे, किसी से आपको टिप नहीं लेनी पड़ेगी, आप अपने दम पे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिंपल और सेफेस्ट तरीके बताऊंगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये पूरी चीजें चलती हैं। अगर आप फ्यूचर में करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको मेरे पास फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को पता करना हो तो भी कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई बाइंग या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, मैं लास्ट में 7 चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमी, फिर देखना है हम लोग को सेक्टर, सेक्टर के बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद कंपनीज आ जाएगी, और उन सारी कंपनीज को हम लोग छाटते हैं 3 बेसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद वैल्यूएशन देखते हैं कंपनीज की। ये पूरी 7 चीजें हैं, वीडियो को चलो एंड करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि ये जो इन्वेस्टिंग सीरीज मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को रैप करते हैं, चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।